ओके तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे जो MySQL का ऑल्टर स्टेटमेंट है उसको हम लोग यूज़ करना हम लोग सीखेंगे। ये बहुत केसेस में मतलब यूज़ होता है, लाइक ऐड करते हैं, ड्रॉप करते हैं, मॉडिफाई करते हैं जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स है उसको मतलब। तो फिर अभी हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट यूज़ लाइक बोल सकते हैं कि कॉलम का हम लोग को ऐड करना है। तो फिर कॉलम ऐड करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो फिर यहाँ देखिए, जो पहले हम लोग ने बना के रखा था ना लैंग्वेजेस वाले टेबल, तो यहाँ पे आईडी और नेम है। आईडी और नेम में से हम लोग को और मतलब यहाँ पे हम लोग को ऐड करना है। हाँ, तो फिर उसके लिए अभी हम लोग को क्या क्या करना होगा, सिंपली हम लोग यहाँ पे नया कॉलम ऐड करने के लिए हम लोग टाइप करेंगे ओके ऑल्टर, उसके बाद ऑल्टर टेबल, जो टेबल का नाम है वो नाम लैंग्वेज, लैंग्वेज राइट, यस लैंग्वेज। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड जो मतलब कॉलम का नाम है वो लाइक ऐड है, यहाँ पे हम लोग डेवलपर DV डेवलपर का नाम लिख देते हैं DV। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको देते हैं लाइक वर्कर, फिर इसको भी हम लोग 45 ही दे देते हैं अभी के लिए 45। फिर इसके बाद नॉट नल ओके। तो फिर यहाँ देखिए, ये एक स्टाइल है ऐड करने के लिए। अभी हम लोग इसको अगर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ना, डिस्क्राइब फिर क्या है नाम इसका, लैंग्वेज, लैंग्वेज ये देखिए एक नया डेव इंसर्ट मतलब एक कॉलम आ चुका है। तो फिर अभी हम लोग इसको टाइप करेंगे ना सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, उसके बाद लाइक सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जो टेबल का नाम है लैंग्वेज, सॉरी यहाँ देखिए। तो फिर ये एक नया कॉलम आ चुका है। लेकिन अगर आपको इंसर्ट करना है मतलब एक नया कॉलम एक स्पेसिफिक लाइक कॉलम के पीछे, तो फिर उसको हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे। तो फिर उसके लिए भी सिंपल सा कमांड है, यहाँ पे हम लोग क्वेरी ऐसा लिखेंगे कि ओल्डर टेबल, जो टेबल का नाम है वो लैंग्वेज, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं ऐड, फिर यहाँ पे हम लोग जो कॉलम हम लोग ऐड करेंगे उसका नाम फिर लाइक सिटी, सिटी यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग इसको देते हैं लाइक वर्कर, फिर इसको हम लोग साइज़ देते हैं लाइक 45, उसके बाद नॉट नल। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे आफ्टर, आफ्टर नेम, हमको नेम के पीछे चाहिए इसको। तो फिर यहाँ देखिए, अभी हम लोग इसको टाइप करेंगे लाइक फिर से ओके डिस्क्राइब लैंग्वेज, ये देखिए नया कॉलम आ चुका है, नेम के पीछे है सिटी, सिटी आ चुका है। अभी हम लोग देखिए इसको सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए ये आ चुका है, नेम के पीछे ही है सिटी, ये आ चुका है ओके। तो फिर ये एक स्टेप हो गया यहाँ पे मतलब इसको करने के लिए। अभी हम लोग को लाइक चेंज करना है ओके। तो फिर यहाँ मॉडिफाई करने के लिए मतलब मॉडिफाई हम लोग कॉलम को कैसे करेंगे, तो फिर उसके लिए भी सिंपल है यहाँ पे ऐसे लाइक ओके हम लोग एक काम करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं सिटी को जो है ना वर्कर 45 से हम लोग यहाँ पे इसको 30 कर देते हैं ऐसे ही मतलब। हाँ देखते हैं, तो फिर उसको हम लोग ऐसा टाइप करेंगे ऑल्टर, फिर यहाँ पे टेबल, फिर यहाँ पे हम लोग ऑल्टर टेबल, फिर हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज देते हैं ऑल्टर टेबल लैंग्वेज, फिर यहाँ पे हम लोग देते हैं लाइक मॉडिफाई, फिर मॉडिफाई जो कॉलम का आपको मॉडिफाई करना है उसका नाम, जैसे हम लोग को सिटी करना है तो फिर सिटी हम लोग यहाँ पे ऐसे टाइप करेंगे सिटी, फिर इसको हम लोग फिर से टाइप करेंगे वर्कर, यहाँ पे हम लोग को 45 से हम लोग इसको 30 करना है, तो फिर ऐसे मॉडिफाई करते हैं इसको 45 यहाँ पे टाइप करते हैं, फिर इसको हम लोग नॉट नल करते हैं। ये देखिए अभी इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे ना, तो डिस्क्राइब करने से कुछ अलग ही आएगा। ये देखिए 45 से ये 30 हो चुका है, कुछ देर पहले 45 था ओके। तो फिर ऑल्टर करके हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर हम लोग को अगर कोई कॉलम हम लोग को मतलब डिलीट करना है, जैसे हम लोग को सिटी हम लोग को डिलीट करना है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे लाइक ड्रॉप, फिर यहाँ पे जो कॉलम है उसका नाम, सॉरी पहले कॉलम लिखेंगे ड्रॉप कॉलम, और उसके बाद जो नेम है कॉलम का उसका, तो फिर हम लोग सिटी हम लोग को डिलीट करना है, तो सिटी ये देख सॉरी कुछ COLUM क्या हुआ, ये मैंने सिंटेक्स चेक की मैंने, कोई बात नहीं ओके देखते हैं इसको। कहीं पे मैंने शायद कोई सिंटेक्स रॉन्ग किया है, कोई बात नहीं देख लेते हैं इसको।
ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे पहले मुझे ऑल्टर लिखना चाहिए था ना, मैं वही सोच रहा था। पहले हम लोग यहाँ पे ऑल्टर टेबल, फिर इसका जो टेबल का नाम है उसका नाम हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, टाइप करेंगे ये वाला ड्रॉप कॉलम सिटी। ओके, ये देखिए अभी हो चुका है, छोटा सा मिस्टेक था। ओके, तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज टाइप करते हैं। यहाँ देखिए ये जा चुका है यहाँ से। ओके, तो फिर अभी उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रीनेम कॉलम का हम लोग को रीनेम करना है, तो फिर कौन सा कॉलम हम लोग यहाँ पे रीनेम करते हैं, लाइक यहाँ पे लैंग्वेज नेम की जगह पे हम लोग इसको लैंग्वेज करते हैं, तो फिर उसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे टाइप करते हैं लाइक होल्डर, फिर टेबल जो टेबल का नाम है वो सॉरी लैंग्वेज, फिर इसके बाद ऐसे यूज़ करते हैं इसको रीनेम टू जो टेबल का नाम है ना उसको, उसको अगर हम लोग को करना है। हाँ, टेबल के नाम को हम लोग पहले रीनेम करना सीखते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलम के नाम को हम लोग देखते हैं। फिर टेबल के नाम को यहाँ पे करने के लिए ऑल्टर टेबल, जो टेबल का पुराना मतलब ओल्ड नेम थे उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज, फिर नया जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लाइक डेव लाइक नहीं इसको LANG लैंग करते हैं, इसको छोटा करते हैं सर। ये देखिए अभी यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ना लाइक सो टेबल्स, यहाँ देखिए लैंग नाम का टेबल आ चुका है। ओके, तो फिर उसके बाद अभी हम लोग सीखते हैं लाइक कॉलम को हम लोग चेंज कैसे करते हैं उसके नेम को। उसके नेम को चेंज करने के लिए सिंपल यहाँ पे हम लोग पहले टाइप करते हैं ऑल्टर टेबल, फिर जो टेबल का नाम है वो अभी लैंग हो चुका है लैंग, उसके बाद चेंज, फिर यहाँ पे कॉलम लिखते हैं चेंज कॉलम, फिर जो कॉलम का नेम है उसको हम लोग चेंज करेंगे। कौन से नेम को हम लोग चेंज करें, नेम को हम लोग चेंज करते हैं, नेम को चेंज करते हैं लैंग्वेज करते हैं इसको। देखिए नेम, फिर उसके बाद जो ओल्ड नेम है उसको हम लोग, जो कॉलम का नेम है उसको हम लोग लिखेंगे, फिर स्पेस देके जो नया नाम नेम है उसको हम लोग टाइप करते हैं, फिर नया लैंग इसको हम लोग लैंग करते हैं जो ये कॉलम है ना नेम को, नेम को हम लोग चेंज करते हैं लैंग में। ओके, तो फिर कन्फ्यूज हो जाओगे, इसके लिए लैंग्वेज करते हैं इसको, नेम को हम लोग चेंज करते हैं लैंग्वेज तक। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग एंटर मारते हैं और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं लाइक लैंग्वेज कौन सा होगा, ये वारकर इसको करते हैं वारकर इसको, उसके बाद 45, फिर उसके बाद नॉटनल। ओके, नॉटनल करते हैं इसको। ओके, फिर इसको अभी देखिए डिस्क्राइब रुके लैंग, ये देखिए लैंग्वेज वही है। अभी यहाँ पे हम लोग मारेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम लैंग, ये देखिए यही है बस, ये जो पहले ये नेम हुआ करता था इसका नाम, हम लोग ने इसको रीनेम किया इस वाले मतलब कॉलम को, और इसको हम लोग ने लैंग्वेज कर दिया। तो फिर यही है मतलब ऑल्टर ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑल्टर स्टेटमेंट के साथ। उसके बाद और क्या देखते हैं, और एक बात है टेम्पोररी एक काम करते हैं टेम्पोररी टेबल बनाना सीख लेते हैं। टेम्पोररी टेबल वही है मतलब कि मतलब एक सेशन के लिए वो सिर्फ रहता है। ओके, उसको भी सीख लेते हैं जल्दी से, मैंने लास्ट वीडियो में मैं भूल गया था उसको दिखाना। तो फिर यहाँ पे हम लोग सिंपल यहाँ पे जो टेबल हम लोग बनाते हैं ना वैसे ही बनाते हैं, बस इसको टेम्पोररी नाम दे देते हैं लाइक क्रिएट टेम्पोररी, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल लिखते हैं, फिर जो टेबल नाम है वो लाइक स्टूडेंट्स अंडरस्कोर इन्फो कुछ बड़ा ही नाम हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर एंटर इसको देते हैं ऐसे। फिर यहाँ पे हम लोग आईडी दे देते हैं इसको, इंट करते हैं इसको, प्राइमरी की करते हैं, फिर इसको नॉट नल भी कर देते हैं जो मन जाए वो कर दो मतलब। फिर इसको हम लोग नेम करते हैं, इसको हम लोग वर्कर करते हैं लाइक वर्कर 45 ये ऐसा, फिर इसको भी नॉट नल कर देते हैं, फिर ये क्लोज करते हैं। अभी देखिए ये हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ से लाइक डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्राइब स्टूडेंट्स अंडरस्कोर इन्फो, ये देखिए ये बन चुका है। तो फिर ऐसा आप यहाँ पे आप मतलब वो भी कर सकते हैं कि मतलब टेम्पोररी आप मतलब एक बना सकते हैं। तो फिर बस अभी के लिए इतना ही,
अल्टर कमांड से आप ये सब बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें यूज़फुल कमांड है, इसका और भी मतलब बहुत सारा यूज़ है, वो फ्यूचर की वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।